ये असल बात है। लेकिन अगर वो असल बात कहती तो जो काली साहब ने आना था 3 बजे वो भी मिस हो गए, फिर 4 बजे ट्यूशन पे जाना था वो भी मिस हो गए। मेरा अलग कहना चाह रहा था, अब आप एक ऐसा उनको कोई ड्रामा सुनाते हैं, नहीं वो बोले नहीं मास्टर की टांग घूम रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि एक लड़का ऐसा होना चाहिए कि जो उनकी टांग गाड़ी में पकड़ के बैठ रहे जब तक वो अस्पताल नहीं जाते, तो फिर मैं ही वो लड़का था क्योंकि जो टांग पकड़ के अस्पताल से वहाँ देर हो गई, तो शाम हो गई, अब शाम को फिर वो मुझे यहाँ छोड़ के गया। अब उनके लिए वो मान भी नहीं हुआ कि मैं हमारा इतना काबिल बच्चा। ये जो आपने कहानी सुनाई है ना, ऐसा मसला था कि क्रिकेट खेलना भी जरूरी थी, उसके बगैर भी गुजारा नहीं था, और साथ साथ घर में वापस आके ये बताना भी बहुत जरूरी था कि कारी साहब और मास्टर साहब क्यों मिस हो, अब किसी की टांग तोड़नी पड़ी और अस्पताल जाना पड़ा, ये पूरी कहानी। लेकिन दूसरे लफ्जों में जब भी जिंदगी में कोई झूठ बोलता है या कहानी तख्लीक, ये इस तरह का अफसाना ये जो भी मैंने आपको सुनाया है, ये आपने पढ़ा है क्योंकि किसी ने, कोई शेक्सपियर ने या फिल्टर ने या किसी सादत हसन मंटो ने किसी ने लिखा है ये मतलब अफसाना जो आपने भी सुनाया है घटना, और इसमें कोई देर नहीं लगी आपको, ये उधर ही खड़े खड़े आपके जेहन में आया ना, बस यही तकलीफ। लेकिन फर्क ये है कि साइंसी तख्लीकात झूठ पर मबनी नहीं, बस फर्क ये है तख्लीकात जिसकी तरफ हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। और कहानी जो है इसे क्या कहते हैं, इसको फैक्ट कहते हैं, और कहानी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्टोरी, इसको स्टोरी भी कहते हैं, फिक्शन भी कहते हैं, इसको फिक्शन भी कहते हैं, इससे बनता है लिटरेचर, मतलब तख्लीक होता है। बाबा यहाँ पे कोई राइटर बैठा हो तो बहुत मारेगा बाद में, क्या चांद में टूटा है, यही होगा ना। लेकिन इससे आप देखिए कहाँ जाके ये घड़ी मिल गई ना, यहाँ जो बच्चे ये वर्कशॉप कर रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो के विज्ञानी तौर पर ऐसे तख्लीकार जो झूठे बिल्कुल नहीं है, झूठे नहीं है, लेकिन उनमें कैपेसिटी है कि अगर उनको कोई मसला दिया जाए तो वो उसका कोई ऐसा हल निकालेंगे जो उससे पहले किसी ने नहीं किया, अनोखा हल निकालेंगे, अनोखी सोच उनकी होगी, अनोखे तरीके से उस मसले को हल करेंगे, और बुनियाद उसकी क्या होगी कि वो इस याद पर ऐसा करेंगे, और जो तख्लीक करेंगे सब ये न्यूटन के इस मसले को हल कर देंगे तो वो इधर नहीं जाएगी। आप सब लोग साइंसी जहन रखने वाले साइंसदान हैं जो कि यहां जाएंगे, लेकिन असल बात ये है कि किसी ना किसी जगह के ऊपर लिटरेचर, अदब और साइंस ये एक दूसरे के साथ फिर मिल जाती। आज से बहुत साल पहले टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्राम आता था, उसको कहते थे स्टार ट्रैक। आप में से किसी ने स्टार ट्रैक देखा? स्टार ट्रैक एक प्रोग्राम होता था जिसमें कि कुछ लोग जो है वो साइंसी एक टाइम मशीन में बैठ के मुख्तलिफ सियारों के ऊपर जाएगा। किसी ने भी देखा? इस तरह की कोई फिल्म देखी है जिसमें कोई दूसरे सियारों पर जाता हो, है ना? देखिए कौन सी, हाँ दूसरी, अभी कार्टून इस तरह के बहुत सारे जिसमें आप दूसरे सियारों में हो जाते हैं। मगर जिस प्रोग्राम का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो मैंने 1968 में पहली दफा देखा, आपको दुनिया में मिली, उसमें उन्होंने 1968 में ये करते थे कि एक दूसरे से बात करने के लिए, यानी एक जो है वो एक सियारे पे बैठा है और दूसरा दूसरे सियारे पे बैठा है, एक जहाज के एक हिस्से में बैठा है दूसरा दूसरे हिस्से में बैठा हुआ है, यानी दूसरे लफ्जों में अगर जमीन समझ लें तो कोई एक जगह पर बैठा और कोई सैकड़ों हजारों लाखों की
जगह बैठा है, तो वो आपस में किसी चीज से ऐसे करके जेब से निकालते थे, उसको फ्लिप करके यूं खोलते थे और उसके ऊपर यूं 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 करते थे और कहते थे हेलो, और दूसरी तरफ से आवाज आती थी। हम कहते ये क्या हो, ये इतनी दूर बैठा हुआ है, ये आवाज इसको कैसे आई है? आपके ख्याल में आज अगर मैं कोई चीज जेब से निकालूं, उसको फ्लिप करूं और यूं यूं करके हेलो करूं, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? 1968 में ये एक कहानी थी और आज ये एक साइंसी इजाद है। इस साइंसी इजाद के पीछे कौन था? कहानी लिखने वाला, उस कहानी, इनफैक्ट एक जमाने में इस नाम का एक मोबाइल होता था स्टार ट्रैक, वो बिल्कुल इस तरह खुलता था फ्लिप करके। अभी नहीं होते, आजकल नहीं होते, पहले होते थे ऐसे ही खोले ना, तो फ्लिप कर रहे होते। देखा है किसी ने इस्तेमाल किया इस तरह का मोबाइल, फ्लिप करके खुलने वाला? एग्जैक्टली वो वही शेप थी जो उस प्रोग्राम में इस्तेमाल। तो दूसरे लफ्जों में तख्लीकी जहन जो है, ये तख्लीक के हवाले से तो एक ही जगह पर है, सिर्फ एक जगह वो प्रवास कर जाता है फिक्शन में और एक जगह फैक्ट्स की तरफ, लेकिन आखिर में फिर मिल जाता है। शुरू भी एक जगह से हुआ और आखिर में एक जगह। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि तख्लीक की या इनोवेशन की या अनोखी बात सोचने की जरूरत क्यों पड़ती है? Why? बताइए जरा, सुनना बाप की बारी है, मैं बहुत बोल गया जी। क्यों हमें तख्लीक करने की जरूरत पड़ती है? क्या बात, बोलना जो है किसी ने जवाब तो देना है, ऐसे तो मैं नहीं मान जी। क्यों आफ्टर ऑल क्या जरूरत है कि हम किसी भी चीज में तख्लीक करें? अच्छा चले, एक मसला मुझे आप हल कर दीजिए। अभी यहां एक सांप निकल आए, खुदा नखास्ता खुदा नखास्ता, और दरवाजे भी बंद हो जाएं, खिड़कियां भी बंद हो जाएं, ताले लग जाएं बाहर से, क्या करें? सांप से पार वो बहुत ताकतवर सांप है, काटने वाला है, तो जो उसके करीब जाते हैं उसको डस देते हैं, बहुत ताकतवर। सांप अनोखी बात सोचेंगे या क्या? सोचे ना अनोखी बात, किस तरह, क्या करें आप? दरवाजे बंद हैं, सांप के पास कोई जा नहीं सकता, जो जाता है उसको वो डस्ट। डसना है सबने, क्या डसवाने का शौक है सांप? वो हल निकालो यार, है कि एक इन्होंने हल बता दिया है कि आप कोई चीज से दरवाजा तोड़े और बाहर निकल। हालांकि ये एक एक हल है, जितने लोग हैं ना सबके जहन में एक एक बात आई भी है। सर आपके क्या जहन में बात आई, इंसान को कैसे डील करते? कुर्सी उठा के साथ, भाई आप कुर्सी से, कुर्सी को तो डसेगा तो कुछ नहीं होगा ना, आप कुर्सी लेके उसकी तरफ जाते रहे और सांप उसको डसता रहे और फिर उसको मार। दो हल हो, लेकिन ये दो हल कब हुए? जब मैंने आपसे बिल्कुल जो सामने की चीज थी, अगर मैं आपसे ये नहीं कहता कि दरवाजे बंद हैं, ये नहीं कहता, और ये भी नहीं कहता कि सांप बहुत ज्यादा ताकतवर है और सबको डस रहा है, अगर मैं ये दोनों बातें आपसे नहीं कहता, तो मैं आपसे कहता कि सांप यहाँ आ गया, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जूतों का रिवाज, उड़ने का मार्ग। तो जो सामने की चीज होती है ना, जब वो नहीं हो सकती, ऑब्वियस मसले का हल नहीं हो सकता, उस वक्त हम ऐसी कैफियत में रहते हैं
जिस कैफियत